इस समय विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं। पौडुचेरी और मुंबई के बीच खेले जा रहे मुकाबले में पृथ्वी शॉ की एक धमाकेदार पारी देखने को मिली है। आपको बता दें, मुंबई पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 45 ओवर में 370 रन बना लिए हैं। मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 142 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया है। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ अभी भी 200 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि इनिंग में 5 ओवर बाकी हैं। पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी में 4 छक्के और 27 चौके लगाए हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में पृथ्वी शॉ का चयन नहीं किया गया है। इसके अलावा 5 टी20 मैचों की सीरीज में भी पृथ्वी शॉ का नाम शामिल नहीं किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में पृथ्वी शॉ की शानदार फॉर्म जारी है। इससे पहले भी उन्होंने एक शतक लगाया है। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद निश्चित तौर पर उनकी वापसी भारतीय टीम में होने वाली है। IPL 2021 में भी पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। IPL 2021 अब ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफ़ी खुश होगी कि उनका एक प्रमुख बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नज़र आ रहा है। आपको बता दें, अभी भी 5 ओवर बचे हुए हैं। अगर पृथ्वी शॉ आखिर तक खेलते हैं तो निश्चित तौर पर अभी भी 50-60 रन और जोड़ लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।